ओशो कह रहे हैं कि जगत एक लीला है, इट्स अ प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारा जो खेल चल रहा है ये चेतना का खेल है, यहां किसी चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट अ प्ले। ओशो ये बात भगवान श्री कृष्ण की कोट करते हैं कि कृष्ण जैसा व्यक्ति, कृष्ण जैसा पूर्ण अवतार, पूर्ण परमात्मा, जो कंप्लीट कॉन्शियसनेस है, वो आपको ये बता रहा है। और ओशो की इस बात से काफी सारे लोग एग्री भी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो अपने आसपास, अपने नेचर को, कि आप आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीजें आपको स्ट्रेस देती है, आपको परेशान करती हैं। आप देखो ये जो डेथ है, लोग सबसे ज्यादा घबराए हुए होते हैं डेथ से। डेथ क्या है? डेथ एक टाइम के बाद हर एक व्यक्ति को मरना है, इट्स अ फैक्ट। और एक व्यक्ति बचपन से लेकर एडल्ट होता है और वो सारे काम करता है अपनी लाइफ में, जो भी करता है वो चाहता है कि मेरे साथ सब कुछ परमानेंट रहे, लेकिन नहीं रह पाता, क्योंकि प्ले में, खेल में ऐसा ही होता है। खेल में हर एक लेवल है। आपने आज एक लेवल पार कर दिया, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है। जिंदगी आपको ये नहीं कह रही कि आप ठहर जाओ। हम में से ज्यादातर लोग अपने पास्ट में फंसे हुए हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया, लॉस हो गया, या फिर मेरे किसी पर्सन की डेथ हो गई, या मेरे को किसी ने कुछ कह दिया। वो एक अलग खेल था, अब एक अलग खेल चल रहा है। अब इस खेल को खेलो, लेकिन ईमानदारी से। ये नहीं कि आप इस खेल को खेल रहे हो और मन कहीं और लग रहा है, नहीं, जो अभी चल रहा है इस खेल को आप पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता के साथ, पूरा ध्यान में मग्न होकर खेलें, तभी आप एक अच्छे खिलाड़ी बन पाएंगे। वरना ये खेल आपके फिर समझ में नहीं आएगा, और जब आपके ये खेल समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको परेशानी होगी, आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप फिर बोलोगे कि जिंदगी अच्छी नहीं है, जिंदगी बहुत नीरस है, और तरह तरह की आप बातें करोगे। तो ओशो आपको यही कह रहे हैं कि जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको बस देखते रहो, साक्षी भाव में, एक साक्षी में रहो, विटनेस करो बस खाली चीजों को। हवा चल रही है, पेड़ पौधे, पक्षी चहचहा रहे हैं, तुम जो काम कर रहे हो प्रोफेशनली, तुम्हारे अंदर जो चल रहा है, तुम्हारे अंदर डर, चिंता, भय, जो भी चल रहा है, बाहर के दंगे, फसाद, बाहर अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, बस चीजों को देखते रहो एज इट इज। क्योंकि क्योंकि देखने वाला ही सत्य है, साक्षी ही सत्य है, और जो देखने वाला है वो पूर्ण आनंद में है। देखने वाला इन्वॉल्व नहीं है, बस दूर खड़ा होकर इस जगत में जो भी घट रहा है उसको बस देखता जा रहा है, बिना अफेक्ट हुए, वो अफेक्ट नहीं हो रहा। और इस देखने में ही परम सत्य है, ये देखना ही अल्टीमेट ट्रूथ है, ये देखना ही सब कुछ है। यहां पर आप अगर चीजों में इन्वॉल्व होने लगेंगे, आप अगर चीजों को लेकर अफेक्ट होने लगेंगे, इन्फ्लुएंस होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, तो इसका मतलब आप सही से नहीं देख रहे हैं। सही से देखने का मतलब कि बिना किसी एक्यूमुलेशन के देखना, बिना किसी कंसेप्ट के देखना, बस सिर्फ देखना, और जगत में जो लीला चल रही है इसका साक्षी बनना, इसका आनंद लेना। इसमें एक अपना ही अलग मजा है, और इस देखने में आपका कोई स्वार्थ भी नहीं है। आप कुछ बदलना नहीं चाह रहे इस देखने में, आप कुछ करना नहीं चाह रहे, बस होते हुए देख रहे हैं चीजों को जो हो रहा है। और उस होती हुई चीजों में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं एक्शन लूं, कैसे लूं। वो होती हुई चीजों में अपने आप एक्शन ले रहे हैं, तो वो एक्शन आप नहीं ले रहे हैं, इंडिविजुअल एक्शन नहीं है, वो पूर्ण एक्शन है, कंप्लीट एक्शन है। वो जो लीला चल रही है उस लीला में आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप करता नहीं है। वो जो लीला चल रही है उसमें आपका जो रोल है आप अपनी तरफ से अदा नहीं कर रहे हैं,
वो पूर्ण विराट जब अपना रोल प्ले कर रहा है तो साथ में आप भी मूव कर रहे हैं, यानी कि आप पूरी तरह से अकर्ता हैं, आप डूअर हैं ही नहीं, आप डूइंग में हैं, इस डूइंग में आप भाग ले रहे हैं। ये चेतना, ये ऊर्जा चल रही है, दौड़ रही है, जहां पर ये रुक जा रही है, इकट्ठी हो जा रही है, वहां पर मकान बन जा रहे हैं, वहां पर इंसान बन जा रहे हैं, दफ्तर बन जा रहे हैं, वहां पर बेचैनी पैदा होनी स्टार्ट हो जा रही है, लेकिन इस ऊर्जा को निकलना ही है। ऊर्जा है, कब तक एक जगह पर टिकी रहेगी, बहेगी, और इस ऊर्जा को का टिकने में जब कुछ फॉर्म बन जाता है, कुछ एक्सप्रेशन बन जाता है, कुछ बनावट बन जाती है, तो उस बनावट से अटैच ना हो, हम उस बनावट से अटैच हो जाते हैं, और इस बनावट से अटैच होने का मतलब कि हम इस चीज को बस लिमिटेड तरीके से देख रहे हैं, एक लिमिटेशन में देख रहे हैं, हम अनंत तक नहीं पहुंच पा रहे। एक इंसान का परम लक्ष्य है अनंत तक जाना, और जब वो अपनी छोटी मोटी इन समस्याओं में ही उलझा रहेगा तो वो कैसे जा पाएगा। उलझे हुए हैं लोग कि ऑफिसों में, दफ्तरों में, प्रोफेशन में उलझे हुए हैं लोग, अपनी चिंताओं में, परेशानियों में, जेल में बंद है, इसी को जीवन समझ रहे हैं। लेकिन जो अनंत विशाल जीवन है, जो भीतर का जीवन है, जो अनंत तुम्हारी चेतना है, उस चेतना से तुम कभी मेलजोल खा ही नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने अंदर जाने से घबराहट होती है, तुम्हें अपने अंदर जाने से डर लगता है, इसलिए तुम बाहर का सहारा लेते हो। बाहर चलो सिनेमा देखाएं, बाहर चलो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट कर ले, जुआ खेल लें या शराब पी लें, लेकिन भीतर की शराब जिसने चख ली उसका आनंद ही अलग है। ओशो बताते हैं कि जो भीतर की शराब है, ये जो तुम्हारे जो भी भीतर है, ओशो ने कहा मैं भीतर गया, ये भीतर ही परम आनंद है, परम सोर्स है, और इस भीतर जाने का एकमात्र तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादा ना भटकें, मैं आपको मेडिटेशन के कुछ बेसिक सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि सत्य क्या है, ध्यान क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, विचार क्या है, विचारों के परे कैसे जाए, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम के माध्यम से, अपनी अध्यात्म की पूर्ण कक्षा के माध्यम से। और उसके बाद फिर हम करेंगे डेली ध्यान, डेली सत्संग, गाइडेड प्रैक्टिकल मेडिटेशन। एक दिन दो दिन नहीं, जिंदगी भर तक ये ध्यान आपका चलता रहेगा। तो आपको मैं इन्वाइट करना चाहूंगा अपने कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम में, जिसको मैंने बताया, जिसमें थ्योरी है उसके बाद प्रैक्टिकल चलेगा ध्यान का। तो अगर आप सीरियस हैं तो, और सच में भटकना नहीं चाहते, जानना चाहते हैं अध्यात्म क्या, सही ध्यान और सही ज्ञान, तो कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। थैंक यू वेरी मच।